नमस्कार दोस्तों, राजनीति के किस्सों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, हरियाणा के राजनीतिक इतिहास की जो चुनावी यात्राएं हैं उसकी श्रृंखला हमने पिछले दिनों शुरू की थी और 1967 के चुनाव हमने किए, 1968 के चुनाव हमने किए और 1968 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 48 सीटें मिली और उन 48 सीटों के बाद जो दल बदल का सबसे बुरा दौर हरियाणा ने देखा, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई, आया राम गया राम लोगों ने देखा, तो उसके बाद ये 1968 का चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि कांग्रेस आया राम गया राम की इस राजनीति से हरियाणा को छुटकारा दिलाना चाहती थी और हरियाणा में कई ऐसे बड़े नेता थे जो मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए हुए थे, लेकिन बाजी लगी चौधरी बंसीलाल के हाथ। हरियाणा के जितने भी राजनीतिक जानकारों से आप मिलेंगे दोस्तों, उनमें से अधिकतर लोग कहेंगे कि चौधरी बंसीलाल को तो इंदिरा गांधी जानती ही नहीं थी। तरह तरह की कहानियां इसको लेके प्रचलित हैं दोस्तों, लेकिन जो सफलता होती है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो जिंदगी हमारे दूसरे क्षेत्रों में हो, जब हम सफल हो जाते हैं तो हमारी सफलता के बहुत सारे साझीदार हो जाते हैं, हमारी सफलता का श्रेय बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन जब हम असफल हो जाते हैं तो हमारी असफलता का श्रेय लेने वाला, असफलता की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं मिलता है। अगर चौधरी बंसीलाल 1968 में मुख्यमंत्री नहीं बनते तो कोई ये नहीं कहता कि मेरी वजह से वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। चूंकि वो मुख्यमंत्री बने तो बहुत सारी कहानियां घड़ी गई, बहुत सारे लोगों ने क्रेडिट लिया कि मेरी वजह से चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री बने, लेकिन यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि चौधरी बंसीलाल खुद को मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय किसे देते थे। फिर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि उन लोगों की क्या भूमिका इस दौरान रही और चौधरी बंसीलाल ने खुद को मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय किसको दिया और ये कहानी कैसे चली। पिछले वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको पिछले वीडियो डाल दूंगा ताकि ये जो चुनावी श्रृंखला का क्रमवार आप इसको समझ सकें, जो साथी नए जुड़े हैं उनके लिए, जो पुराने हैं उनको सारी बातें ध्यान में होंगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री बंसीलाल जी 1968 में बने तो निश्चित तौर पे वो एक नया चेहरा भारत की मीडिया के लिए भी था और उस नए चेहरे को ये बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला लगा कि कैसे हरियाणा से एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया है जिसका पहले बहुत बड़ी राजनीतिक स्तर पर जिसकी चर्चाएं नहीं होती थी। तो जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रोहतक में हुई उनके मुख्यमंत्री बनने के थोड़े से दिन बाद, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब चौधरी बंसीलाल से पूछा गया कि आप राज्यसभा में खुद को भेजने का श्रेय किसको मानते हैं, तो उन्होंने सरदार दरबारा सिंह का नाम लिया था। और सरदार दरबारा सिंह का नाम इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने बताया कि जालंधर में जब वो कानून की पढ़ाई कर रहे थे तब उनकी सरदार दरबारा सिंह से मित्रता हो गई थी, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, पंजाब के वो मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने राज्यसभा में उनको भिजवाया, उन्होंने अपनी राज्यसभा का क्रेडिट सरदार दरबारा सिंह को दिया। अब जब उनसे पूछा गया कि आप अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय किसको लेते हैं, तो उन्होंने तीन नाम उस समय लिए थे दोस्तों, और इन तीनों नामों की भूमिका आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में। चौधरी बंसीलाल ने खुद को मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय जिन लोगों को दिया उनमें पहला नाम था गुलजारी लाल नंदा जी। गुलजारी लाल नंदा जी कांग्रेस के सिंडिकेट का हिस्सा नहीं थे लेकिन कांग्रेस के बहुत बड़े नेता वो थे और हरियाणा से उनका गहरा नाता था क्योंकि वो कैथल से ही लोकसभा का चुनाव लड़ते थे और हरियाणा के मामलों का प्रभार भी उनके पास था। दूसरा नाम जो चौधरी बंसीलाल जी ने लिया वो दूसरा नाम था पंडित भगवत दयाल शर्मा का, जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे। और तीसरा नाम जो उन्होंने लिया दोस्तों, वो तीसरा नाम आप लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा, वो था बिहार के ललित नारायण मिश्रा का। तो ये तीन नाम चौधरी बंसीलाल ने लिए। अब हम इन तीनों नामों की चर्चा करेंगे और उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को हर एंगल से समझने की कोशिश करेंगे कि चौधरी बंसीलाल कैसे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब सबसे पहले चर्चा करते हैं गुलजारी लाल नंदा जी के बारे में। गुलजारी लाल नंदा जी तब देश के गृह मंत्री थे, इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी जी पंडित भगवत दयाल शर्मा जी से छुटकारा चाहती थी क्योंकि पंडित भगवत दयाल शर्मा उस संस्कृति के नेता थे, उस दबंगई के नेता थे जो इंदिरा गांधी की आंख में आंख मिलाकर बात कर सकते।
और इंदिरा गांधी को ऐसे लोग पसंद नहीं थे। वो कांग्रेस में भी एक नई कांग्रेस बना रही थी जिसमें राज्यों के सीएम उनके अपने हों, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, एक ऐसे प्रभावशाली एक अपना कांग्रेस का निर्माण कर रही थी जो कांग्रेस के बुजुर्ग और इंदिरा गांधी के प्रभाव क्षेत्र में नहीं रहने वाले नेताओं से अलग हो। तो इस जो दौड़ है, इस जो कवायद है, उसमें वो अपनी एक टीम का निर्माण कर रही थी और उस टीम के निर्माण में हरियाणा के मुख्यमंत्री की जब बारी आई तो वो अपना एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहती थी जो उनकी बात को न केवल माने बल्कि उनकी नीतियों और उनकी पार्टी की जिम्मेदारियों को उठा सके। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा को उनकी हिट लिस्ट में थे कि वो पंडित भगवत दयाल शर्मा को कम से कम हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहती। इस बात का संदेशा लेकर गुलजारी लाल नंदा जी, जो हरियाणा के मामलों के प्रभारी थे, उनके घर पे एक शख्स गए थे। दोस्तों, आपने उनका खूब नाम सुना होगा और वो शख्स थे इंद्र कुमार गुजराल जी, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। इंद्र कुमार गुजराल जी की एक आत्मकथा है, एक किताब है उन्होंने जो लिखी है। उस किताब में एक प्रसंग है पूरा का पूरा, वो चौधरी बंसीलाल के बारे में लिखा। ये अंग्रेजी में किताब है दोस्तों, मैं इसको हिंदी में इसका जो जिस्ट है वो आपको बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का संदेशा लेकर इंद्र कुमार गुजराल जी गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा जी के घर जाते हैं। वो गुलजारी लाल नंदा जी को हर बात पर हर तरीके से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा नहीं होना चाहिए। अब पंडित भगवत दयाल शर्मा जी मुख्यमंत्री ना हो तो फिर कौन हो? दूसरे कई नेता दौड़ में थे जिनमें ब्रिगेडियर रण सिंह, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जी, ओम प्रभा जैन और चौधरी देवीलाल जैसे लोग थे कांग्रेस पार्टी में। लेकिन इसके बावजूद चौधरी बंसीलाल का नाम चयन किया गया मुख्यमंत्री के रूप में, तो ये इस बात का जिक्र इंद्र कुमार गुजराल ने अपनी किताब में किया है। इंद्र कुमार गुजराल जी गुलजारी लाल नंदा जी को समझा बुझा कर इंदिरा गांधी का संदेशा देकर बाहर निकलते हैं। गुलजारी लाल नंदा जी उनको अपने दरवाजे तक छोड़ने आते हैं। जब वो दरवाजे पर पहुंचते हैं तो गुलजारी लाल नंदा जी के बरामदे में एक खाट बिछी हुई थी और उस खाट पर एक लंबा और सुंदर नौजवान बैठा हुआ था और जिसने एक अचकन पहना हुआ था और दिखने में हरियाणवी लग रहा था। उस पर एकाएक इंद्र कुमार गुजराल की नजरें गई और दूसरे ही पल वो गुलजारी लाल नंदा जी से बात करने लगे। यहीं पर गुलजारी लाल नंदा जी ने एक सवाल इंद्र कुमार गुजराल से पूछा कि अगर हरियाणा का मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी को ना बनाया जाए तो फिर किसको बनाया जाए? इंद्र कुमार गुजराल भी पता नहीं किस मूड में थे, उन्होंने चौधरी बंसीलाल जी की तरफ इशारा किया कि किसी को बना दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, चाहे इनको बना दीजिए। गुलजारी लाल नंदा जी एकटक देखने लगे। वो खाट पर बैठे उस युवक को जानते थे, उस नौजवान को जानते थे। और इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल जी अपने घर पे आ गए। जब वो घर पहुंचे तो दो कॉल गुलजारी लाल नंदा जी की आ चुकी थी टेलीफोन पर और घर पे बताया गया कि गुलजारी लाल नंदा जी से ज़रूरी बात है, उनके दो फ़ोन आ चुके हैं, आप बात करिए। तो उन्होंने नंदा जी को फ़ोन किया। नंदा जी ने एक ही सवाल पूछा सीधे कि आपने जिसकी तरफ इशारा करते हुए कहा था कि इनको ही बना दीजिए, क्या उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दें? अब चौंकने की बारी इंद्र कुमार गुजराल की थी, क्योंकि वो खाट पर बैठे उस नौजवान को जो हरियाणा का था उसको जानते नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि गुलजारी लाल नंदा जी से पूछा कि ये कौन थे, तो उन्होंने कहा कि ये बंसीलाल थे जो राज्यसभा में भी रहे हैं। तो इंद्र कुमार गुजराल ने दिमाग पे जोर दिया तो उनको हरियाणा का ये लंबा नौजवान याद आ गया जो राज्यसभा में बैक बेंचर था और कभी कभी गैलरी में निकलते हुए मिल मुलाकातें दुआ सलाम हुई होगी तो हुई होगी। इंद्र कुमार गुजराल ने कहा कि मुझे 10 मिनट आप दीजिए, मैं प्रधानमंत्री जी से पूछ कर आपको बताता हूँ। इंद्र कुमार गुजराल जी ने प्रधानमंत्री जी को फ़ोन किया और इंद्र कुमार गुजराल जी के अनुसार प्रधानमंत्री जी बंसीलाल जी को नहीं जानती थी। और बंसीलाल जी ने, और जब इंद्र कुमार गुजराल जी ने कहा कि नंदा जी कह रहे हैं कि बंसीलाल जी के बारे में वो विचार कर रहे हैं, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि वो पंडित भगवत दयाल शर्मा नहीं होना चाहिए, चाहे जिसे भी वो बना दें। तो जो पहला नाम मुख्यमंत्री बनने के बाद
चौधरी बंसीलाल ने लिया था कि गुलजारी लाल नंदा जी का अहम योगदान है, वो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है इंद्र कुमार गुजराल की आत्मकथा से कि गुलजारी लाल नंदा जी ने चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। इंद्र कुमार गुजराल ये भी लिखते हैं कि जिस अनजाने में इस आदमी की तरफ उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में इशारा किया था, वो एक दिन कांग्रेस के इतने बड़े नेता बनेंगे और हरियाणा से एक छोटे से प्रदेश में इतने विकास करवाएंगे, ये जानकर उन्हें हमेशा सुखद अनुभव आश्चर्य होता रहा। और इंद्र कुमार गुजराल और चौधरी बंसीलाल आजीवन इस घटना के बाद अच्छे दोस्त भी रहे। और बंसीलाल जी इस बात का एहसान हमेशा मानते थे कि उन्होंने अनजाने में सही ये कह दिया कि इनको मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो गुलजारी लाल नंदा जी का पार्ट यहीं पे हम समेटते हैं। हालांकि जो अगला वीडियो होगा उसमें हम इस बात की चर्चा करेंगे कि गुलजारी लाल नंदा जी ने कैसे इस बात को अंजाम तक पहुंचाया, कैसे मुख्यमंत्री उनको बनाया। लेकिन यहाँ तय हो गया कि हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा जी ने बंसीलाल जी के नाम का चयन कर लिया था और उस पर इंदिरा गांधी जी की भी मोहर थी। अब दूसरा नाम दोस्तों, वो दूसरा नाम है पंडित भगवत दयाल शर्मा जी का, जो हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। 1967 में चुनाव हुए तो दूसरे मुख्यमंत्री भी बने। इसके बाद वो अपनी कुर्सी गंवा बैठे, राव बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बने, राव दल बदल का दौर चला, मध्यावधि चुनाव हुए, दोबारा से कांग्रेस चुनाव में उतरी, 48 सीटें मिली। लेकिन इस बार तय था कि पंडित भगवत दयाल शर्मा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन कांग्रेस इस बात का जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं थी कि पंडित भगवत दयाल शर्मा को हाशिए पे रख के वो किसी को मुख्यमंत्री बना दें। इसलिए अब बात आई उस सहमति की कि पंडित भगवत दयाल शर्मा की सहमति से एक ऐसा नाम आए जो पंडित भगवत दयाल शर्मा को भी स्वीकार हो, क्योंकि कांग्रेस मेजोरिटी में पॉइंट पर खड़ी थी। उनको पता था कि पंडित भगवत दयाल जी जब चाहें गेम कर सकते हैं, इसलिए बंसीलाल जी के नाम की सहमति पंडित भगवत दयाल शर्मा जी से ली गई। कांग्रेस की जो अंदरूनी बैठकें हुई उसमें कैथल की नेत्री ओम प्रभा जैन का नाम सामने आया था, रणवीर सिंह हुड्डा जी का नाम भी सामने आया था क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनने के एक प्रमुख दावेदार थे। गुलजारी लाल नंदा जी के घर पे जो बैठकें हुई उसमें उन्होंने इस बात का विरोध किया कि जो नाम की चर्चा है वो नंदा जी के घर पे नहीं होनी चाहिए। ओम प्रभा जैन जी और बंसीलाल के बीच में से मुख्यमंत्री के रूप में पंडित भगवत दयाल शर्मा ने बंसीलाल का नाम इसलिए चयन किया क्योंकि वो ओम प्रभा जैन जी को पसंद नहीं करते थे। और इसका बड़ा कारण ये था कि उन्होंने एक समर्थन पत्र जिसमें ये मांग की गई थी कि पंडित भगवत दयाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाए, उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिए थे। बंसीलाल जी के साथ इस प्रकार की कोई दिक्कत पंडित भगवत दयाल शर्मा को नहीं थी। दूसरा, पंडित भगवत दयाल शर्मा को कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ये आश्वासन दे रखा था कि भले ही वो मुख्यमंत्री ना हो लेकिन चौधरी बंसीलाल हमेशा उनसे पूछकर सरकार चलाएंगे और हरियाणा में वही होगा जो पंडित भगवत दयाल शर्मा चाहेंगे। एक तरीके से बंसीलाल नाम के व्यक्ति की कठपुतली सरकार हरियाणा में चलेगी, असली जो ताकत होगी वो पंडित भगवत दयाल शर्मा के हाथों में होगी। ऐसा ही कुछ आश्वासन नंदा जी ने भी पंडित भगवत दयाल शर्मा को दिया था कि असल सरकार आपकी होगी, बंसीलाल जी आपके नाम से चलेंगे। भले ही नंदा जी मन ही मन ये बात जानते थे कि जिस का चयन वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में करने वाले हैं वो शायद ये बातें आगे चलकर ना माने। और ये शायद नंदा जी को भी पता नहीं होगा कि जिस अनजाने और गुमनाम से व्यक्ति को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना रहे हैं, एक दिन वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेताओं में होगा और जिसकी बात का वजन इंदिरा गांधी भी मानेंगी। खैर, पंडित भगवत दयाल शर्मा जी की भूमिका यहाँ खत्म हो जाती है। और वो जो दूसरा पॉइंट जिसमें तीन नाम चौधरी बंसीलाल ने लिए थे, वो दो नाम की चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। हालांकि इसके बाद जो एक और वीडियो आएगा उसमें भी पीछे के कुछ संदर्भ मैं आपको समझाने के लिए, उस दौर की राजनीति को बताने के लिए डालूंगा कि कैसे मुख्यमंत्री के रूप में बंसीलाल जी के नाम का चयन किया गया। तो ये दो नाम हो गए दोस्तों। एक नाम और लिया चौधरी बंसीलाल ने, ललित नारायण मिश्रा का। ये केंद्र में मंत्री भी रहे, इंदिरा गांधी के बहुत करीबी नेताओं में भी रहे। और ये जब राज्यसभा में बंसीलाल जी थे तब ललित नारायण मिश्रा जी से उनका परिचय हुआ और वो लगभग ताउमर उनका बना रहा। तो जो ललित नारायण मिश्रा जी थे
उनका नाम चौधरी बंसीलाल ने इसने लिया क्योंकि ललित नारायण मिश्रा जी इंदिरा गांधी जी के कहने पे एक ऐसी टीम बना रहे थे कांग्रेस में जो इंदिरा गांधी की टीम हो। तो हरियाणा में जब चुनाव हुए तो ललित नारायण मिश्रा जी के पास तमाम तरह के इनपुट थे। ललित नारायण मिश्रा जी काफी लंबे समय तक इंदिरा गांधी जी की टीम में रहे। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को इंदिरा गांधी जी की टीम में लाने वाले ललित नारायण मिश्रा जी ही थे। ललित नारायण मिश्रा जी जिस समय राज्यसभा में थे उस समय बंसीलाल जी राज्यसभा में थे। नंदा जी से तो बंसीलाल जी का एक औपचारिक परिचय था। नंदा जी एक अच्छे वक्ता के रूप में बंसीलाल जी को देखते थे लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। लेकिन ललित नायक बाबू से जो बंसीलाल जी के रिश्ते हैं काफ़ी मधुर थे और उन रिश्तों ने भी मुख्यमंत्री बनाने में उनको उनकी मदद की। और जिस अनभिज्ञता की बात दूसरे लोग करते हैं कि इंदिरा गांधी जी जानती नहीं थी या इंदिरा गांधी जी को पता नहीं था कि कौन बंसीलाल है, इस बात पर मैं व्यक्तिगत रूप से जितना हरियाणा की राजनीति को पढ़ पाया हूँ, समझ पाया हूँ, चौधरी बंसीलाल के अंतिम समय तक जो लोग साथ रहे, जिन लोगों ने सेवा की, उनसे भी मैंने बात की है कि बंसीलाल जी ने इस बारे में क्या बताया है। तो मुझे नहीं लगता कि इंदिरा गांधी चौधरी बंसीलाल के नाम के बारे में अनभिज्ञ रही होंगी। उनको पता था। अनभिज्ञता का जो अभिनय है हो सकता है कुछ कांग्रेसी नेताओं को खुश करने के लिए उन्होंने किया हो। तो जो इसका जो चौधरी बंसीलाल की बेटी हैं सरोज सिवाच, जो चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत के जो पन्ने हैं उनको संभालती हैं, उनको बहुत तरीके से संभाला हुआ है जिन्होंने, अगर उनकी बात को माने तो इंदिरा गांधी जी न केवल चौधरी बंसीलाल को अच्छे से जानती थी बल्कि एक बार तो जो कांग्रेस के बड़े नेता कामराज जी थे वो नाराज हो गए थे इंदिरा गांधी जी से, तो उनको मनाने के लिए भी इंदिरा गांधी जी ने बंसीलाल जी को कामराज जी के पास भेजा था। तो ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी जी जानती नहीं थी, लेकिन ऐसा एक माहौल बनाया गया जिससे पंडित भगवत जी को भी दूसरे लोगों को भी लगे कि इंदिरा गांधी जी चौधरी बंसीलाल के नाम के बारे में जानती नहीं थी। लेकिन खुद चौधरी बंसीलाल जी ने तीन नाम दिए थे, एक पंडित भगवतदयाल शर्मा जी का, पहला गुलजार लाल नंदा जी का, दूसरे पंडित भगवतदयाल जी का और तीसरे ललित नारायण मिश्रा जी का, जिन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में अपना अहम योगदान दिया। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे और इस दौरान जो प्रक्रिया हुई उसमें क्या क्या घटनाक्रम हुए, हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास इस संबंध में कोई जानकारी है तो जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। नमस्कार।